नमस्कार दोस्तों, नॉलेज आचार्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक कस्टम यूट्यूब एपीआई की कैसे बनाते ये सीखेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड पर जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एपीआई की क्या होती है। एपीआई का पूरा नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और यह एक माध्यम है जो सर्वर और डाटा को भेजता है, और सर्वर उस डाटा को रिसीव करके उस पर एक्शन लेता है, जो काम आप चाहते हैं वो करता है, और उस डाटा पर एक्शन लेके वापस अपने फोन या पीसी पर सर्व करता है। ये सब काम होता है एक एपीआई की से, इसके बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यूट्यूब की कस्टम एपीआई क्या होती है। YouTube API की मदद से YouTube के वीडियोस को और उनकी दूसरी कार्य क्षमताओं यानी कि फंक्शंस को वेबसाइट और एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करता है और उसे एक करता है, जिससे यूजर अपने फ़ोन या लैपटॉप में आसानी से YouTube का यूज कर सके। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हम कस्टम YouTube API की कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको Google Chrome ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों सर्च बार में आपको टाइप करना है कंसोल डॉट डेवलपर्स डॉट गूगल डॉट कॉम। ये टाइप करके आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे आप टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम गूगल कंसोल के पेज पर पहुँच जाएंगे। हमारे सामने गूगल कंसोल का पेज ओपन हो जाएगा। आपको टॉप पे राइट साइड पर क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है, या फिर सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें जो भी प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम रखना है, तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का कोई सा भी नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं। इसके बाद में आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब आपका प्रोजेक्ट बन चुका है, और ये जानने के लिए आपको सेलेक्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, और आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो यहाँ पे दिख जाएगा, इसे आपको ओपन कर लेना है। अब इसके बाद को प्लस के साथ इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको ये ऑप्शन टॉप में सामने नज़र नहीं आता है तो आप लाइब्रेरी पर क्लिक करके और लाइब्रेरी में जाकर इस ऑप्शन को भी देख सकते हैं आप। तो हमें यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नीचे आके और YouTube डाटा API V3 वाले ऑप्शन को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको सर्च बार में टाइप करना है YouTube डाटा API V3। तो यहाँ पे आपको सर्च में चार रिजल्ट मिलेंगे, तो इसमें आपको जो टॉप वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है YouTube डाटा API V3, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें एक इनेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसे हमें इनेबल कर लेना है। तो चलिए इनेबल पर क्लिक कर देते हैं। इनेबल पर क्लिक करते ही हमारे सामने ओवरव्यू का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में क्रीडेंशियल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि ये आपको ऑप्शन सीधे तौर पर नहीं मिलता है तो आप टॉप लेफ्ट में 3 बार जो नज़र आ रही है उस पर क्लिक करके भी इस ऑप्शन पर आप जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह आपको राइट साइड में कॉन्फिगर कंसेंट स्क्रीन पर ले जाएगा। तो यहाँ पर हमें कॉन्फिगर कंसेंट स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह हमें आउट कंसेंट स्क्रीन पर ले जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला वाला इंटरनल और सेकंड नंबर का एक्सटर्नल। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सेकंड वाले ऑप्शन को
को सेलेक्ट कर लेना है और क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सेकंड वाले ऑप्शन एक्सटर्नल को सेलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी है, तो जैसे कि एप्लीकेशन नेम में यहाँ पे आपको अपने ऐप का नाम डालना है, तो आप ऐप का नाम कोई सा भी डाल सकते हैं या माय ऐप भी रख सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो सेव बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमें वापस क्रीडेंशियल पेज पर जाना है, तो चलिए क्रीडेंशियल पेज पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्रीडेंशियल पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें टॉप में प्लस के निशान के साथ क्रिएट क्रीडेंशियल का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक टेबल खुलेगी जिसमें आपको टॉप वाला ऑप्शन एपीआई की नजर आएगा, उसे सेलेक्ट कर लेना है। एपीआई की को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप पेज शो होगा, इसमें हमें अपनी एपीआई की मिल जाएगी। इसे आप कहीं भी किसी भी जगह आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक क्लाइंट आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें वापस क्रिएट क्रेडेंशियल के पेज पर जाना है। तो यहाँ पर आपको टॉप में जो ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट क्रेडेंशियल, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ऑथ क्लाइंट आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन टाइप में अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इसके बाद में क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी ऑथ क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी बन जाएगी। इसके लिए हमारे सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर आप क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी को कॉपी कर सकते हैं। इन दोनों की कॉपी करके आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो आज आपने इस वीडियो में सीखा कि हम यूट्यूब की कस्टम एपीआई की कैसे क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी को कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी हमने इसमें सीखा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।